हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम सुप्रीम काइट मास्टर है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, दोबारा अजीबा का फोन आया है मेरे पास कि पंडित जी एक और पार्सल आया है। तो चलिए फिर चलते हैं पार्सल की अनबॉक्सिंग करने। हेलो दोस्तों, तो अपन चल रहे हैं सीधा अजीबे की दुकान पे। मैं गाड़ी पे बैठ चुका हूँ, अब तेजी से चलेंगे, बहुत ही तेज रफ्तार से। तो ये स्टार्ट हो चुकी है अपनी गाड़ी और हम पहुंच चुके हैं सीधा नहर के गणेश जी हमारे लेफ्ट साइड में, सीधा राम मंदिर आया। राम मंदिर के बाद सीदा चलेंगे, कागदीवाड़ा रोड आ गया, छिपीवाड़ा जिसे कहते हैं, अंदर गली में से जयद्रोग स्कूल के पास से राइट घूमेंगे। ये लेफ्ट नाला आ गया, नाले पे चल रहे अपन, और सीधा और सीधा चलेंगे सामने शमशान घाट। शमशान घाट से थोड़ा सा आगे ये राजा गाइड सेंटर, ये यूपी पट्टी वाले ज्यादा बोलते हैं। क्वालिटी, अरे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं अजीबिया। तो व्यूअर्सों, दोस्तों ध्यान से सुनना, बात आ रही है ब्रांडेड वर्सेस क्वालिटी। नकली हसली, ओरिजिनल डुप्लीकेट, नकली हसली, यही चर्चा रही है। इन चर्चाओं को सुनकर कस्टमर उठ चुका है। मांझी का भी पार्सल आया हुआ है, आपने तो बताया था सिर्फ पतंगों का पार्सल आया है आपके पास। ये मेरे भाई के दिल से शब्द थे। और एक बात और पंडित जी, खिलाड़ी करता तो करता है ही, छत वाला भी बहुत तारीफ करता है। बिल्कुल, और ये वो पतंगे पंडित जी, कारीगर और दुकानदार का नाम करने वाली पतंगे। ये नहीं नाम हो गया है या काम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, ये तो हर किसी का होता रहता है, और मेरा हुआ ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। चाहे 1 रुपया हो, चाहे 2 रुपया हो, या 3 रुपया हो, आज भी बच्चा पतंग जब लेने आता है ना, तो हाँ। उनको मैं आज भी देता हूँ, देख लीजिए आप। 1 रुपए की सद्दा भी देते हो? हाँ, और इसमें से देता हूँ। तो 5 मैदान वाला हो, चाहे छत वाला हो, चाहे 1 रुपए वाला कस्टमर हो, चाहे 1,000 रुपए वाला हो, चाहे 50,000 वाला हो, सबको एक ही नजर से, सम्मान की नजर से देखता हूँ। बिल्कुल अजीबा। बाकी एक सवाल और अजीबा जी, जनता जनार्दन का भी हो सकता है जी, बाकी मैं तो मेरी तरफ से पूछ रहा हूँ जी। आपने पतंगों का काम स्टार्ट करा है, तो सिर्फ पतंगों का ही क्यों करा? मतलब और कोई सब स्टार्ट कर सकते थे, पतंगों का ही क्यों? और आज भी देख लीजिए, मैंने चाहिए फिर अभी थोड़ी देर पहले कहा, 1 रुपए वाला कस्टमर हो तो 1,000 रुपए वाला हो, तो 50,000 वाला हो, तो 10-20,000 वाला हो, कभी भी भेदभाव नहीं रखा है। नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे मेरी, और उन वीडियो को देख के बहुत ही प्यार दिया है आपने, और वो प्यार देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप और जो जयपुर से इतने कॉल आ रहे हैं, और जयपुर के बाहर से भी कॉल आ रहे हैं, और ऑल इंडिया से कॉल आ रहे हैं, और कॉल करके वो बोल रहे हैं कि आपने जो जो वीडियो हमारे को बताई है, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहिए, और मैं पतंग दौर की वीडियो एक से एक दिखाता रहूँगा, और आपका जो प्यार देने के लिए मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आपको फिर एक पतंग का पार्सल आया, देखते हैं कौन सी कारीगर की कौन कौन सी पतंग आई। और पंडित जी क्या चाल आपके? बस बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ये पार्सल खुलने जा रहा है आज अजीब जाके, कल ही पार्सल आ गया था, कल थोड़ा सा लेट हो चुके थे इस चक्कर में ये पार्सल, ये तो कल रात को ही खोलने का था, कस्टमरों की भीड़ काफी ज्यादा थी रात को, इस चक्कर में डिसाइड करा कि सुबह ओपन करेंगे। 11:30 बज गए थे, 11:30 बज गए थे अजीब, मैं आया था शाम को वीडियो बनाने, 11:30 बज चुके थे, लेकिन इसकी रात को फिर क्या ही बनाया। विशाल वो फोन देख ले, इसमें कौन सी पतंग आई है जी भैया? देखते हैं अद्धी मंजली पोनी, अद्धी मंजली पोनी, तीनों पतंग आया। अच्छा, कौन से कारीगर की है कुछ बता सकते हो? मुरादाबाद से आया, देखते कौन सा कारीगर का है। मुरादाबाद से आया ये पार्सल,
आज भी काफी ज्यादा बातें करेंगे अजीब ऐसे। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके आपको पतंगे भी दिखाते रहेंगे और अजीब ऐसे वो क्वेश्चंस भी पूछते रहेंगे। मुरादाबाद के पार्सलों में यही खासियत बहुत ही बढ़िया लगती है, पैकिंग बहुत ही अच्छे से करके बेचते हैं वो, ताकि पतंगों का नुकसान बिल्कुल भी ना हो। और ये पहली पतंग ही देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पतंगे कितनी बढ़िया पतंगे हैं। तो बहुत ही अच्छी डिजाइन, काफ ठुड्डे, बिल्कुल लोच और स्प्रिंग वाले पतंगे। तो देखो सारी अच्छी ही पतंगे आती है सारी इनके पास, क्योंकि पिछली कई वीडियो में अजीब ने बोला है कि अगर गलत पतंग आती है, पतंगे ठीक नहीं आती है, तो हैंड टू हैंड रिजेक्ट, कारीगर ही रिजेक्ट करने के लिए बोला था अजीब ने। तो कारीगर भेजता है तो अच्छी पतंगे ही भेजता है। ये देखिए पतंग, बहुत ही शानदार पतंग है भाई, सेम लोच। तो अजीब है, मतलब कोई कस्टमर आए उसको हल्की पतंगे पसंद ना हो, भारी पतंगे पसंद हो, तो वो भी मिल जाएगी आपके पास, ना हल्की ना भारी, स्प्रिंग स्प्रिंग। अच्छा स्प्रिंग पतंग में ये है, भारी वाले भी उड़ा लेंगे, हल्की वाले भी उड़ा लेंगे, ये मीडियम पतंगे होती है। और किसी कस्टमर की डिमांड होगी, अच्छा, तो वो भी बनवा देंगे। अच्छा कस्टमर की डिमांड हो भी बना देते हो आप। हाँ। पार्सल खुलते ही अजीब आप पतंगों को एक एक पतंग को इस तरीके से देखते हैं, ताकि व्यूअर्स आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, देख के ही अंदाजा लगा सकते हो कि पतंगे कैसी है। और बिल्कुल जैसी वीडियो में पतंग दिख रही है, दुकान पर आने के बाद भी आपको ऐसी ही क्वालिटी मिलेगी। कितनी तरह की डिजाइन आई है जी भैया, वो तो देखेंगे फिर पता चलेगा, देखते हैं। इस पतंग को शायद टोकिया पतंग, गिलासदारा पतंग कहते हैं अपने यहाँ, और मुड्डेदारी भी, मुड्डेदारी भी कहते हैं इन पतंगों को। ये यूपी पट्टी वाले ज्यादा बोलते हैं। अच्छा हाँ, यूपी पट्टी वाले टोकिया ज्यादा बोलते हैं ना, टोकिया भी बोलते हैं, मुड्डेदार भी बोलते, मुड्डेदार भी बोलते हैं। बाकी पतंग का फर्मा और लोच, लोच नहीं स्प्रिंग, स्प्रिंग सॉरी अजीब है, बार बार भूल जाते हैं। स्प्रिंग पतंग है ये, मेरे कस्टमरों को भी याद हो गया, कस्टमरों को भी याद हो गया। हाँ पिछली वीडियो में बोला था पैसा वसूल, वो तो है एक क्वालिटी। अरे क्वालिटी तो अजीब है आपकी, मेन चीज होगी सबसे पहले तो क्वालिटी आती है बस, क्योंकि क्वालिटी के पीछे ही कस्टमर आ रहे हैं, व्यूअर्स आ रहे हैं। हाँ। तो सिर्फ क्वालिटी के पीछे, क्योंकि क्वालिटी की बात करें अपन, तो एक बार ये देखिए, मैं बार बार पतंग को करीब से इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वाकई पतंग बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार है। तो डिजाइन भी इस बार काफी अच्छी अच्छी आई है, एक हो गया ब्लू गिलास नीचे, इसके बाद आया ऑरेंज गिलास, और इसके बाद देखने को मिलेगा आपको वो, ये देखिए व्हाइट पत्ता भी है, पतंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये देखिए येलो गिलास भी है भाई, मुड्डेदार पतंग वाकई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार लग रही है। पंडित जी, हाँ जी भैया, मैंने इनसे पूछा कि कैसी है, किनसे पूछा? अच्छा इनसे पूछा, जवानी अलग में अटक गई, क्या बोले, इशारा ही काफी है, इशारे में बता देते हैं ये। पतंगे वाकई बहुत अच्छी पतंगे हैं। बाकी आपकी वीडियोस अजीब है, लोगों को इतनी पसंद आ रही है, इतनी पसंद आ रही है, लोगों के कमेंट इतने पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट आ रहे हैं। उन सभी कमेंटों पर भी अपन बात करेंगे और आपसे कुछ बातें करूंगा मैं, कमेंट्स होगी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो अजीब है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। क्वालिटी से याद आया एक सवाल और पूछना था आपसे, जो कि सिर्फ मेरा है जी, किसी कस्टमर का नहीं है, कोई कमेंट नहीं आया मेरे पास, कोई व्यूअर्स का नहीं है, मेरा पर्सनल सवाल है जी, कि आपने अभी तक ब्रांड क्यों नहीं बेचा जी? बोलिए, क्वालिटी तो बेच रहे हैं आप, ठीक है मान गए, अपन आते हैं ब्रांड पे जी, आपने अभी तक ब्रांड क्यों नहीं बेचा? अगर बेचा है तो बहुत पहले बेचा होगा या फिर बेचा ही नहीं? देखो पंडित जी, बात ऐसी है
इन 15-16 सालों में ये लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं अजीबिया, तो व्यूअर्सों दोस्तों ध्यान से सुनना, बात आ रही है ब्रांडेड वर्सेस क्वालिटी। ब्रांड चीज अलग है, क्वालिटी चीज अलग है। तो अजीब एक बार इन दोनों में फर्क भी बताना है आपको जी, कि ब्रांड में क्या चीज है और क्वालिटी में क्या चीज है। पंद्रह की बात ऐसी है, हाँ इन 15-16 सालों में बात ऐसी है, इन 15-16 सालों में हाँ नकली असली ओरिजिनल डुप्लीकेट बिल्कुल ऑल इंडिया में, पूरे ऑल इंडिया में, हाँ पे पूरे ऑल इंडिया में, हाँ नकली असली ओरिजिनल डुप्लीकेट नकली असली यही चर्चा ही है इन 15-16 सालों में। अच्छा, इन 15-16 सालों में और ब्रांड की बात कर रहे हैं अपन, उन ब्रांडों में यही चीज रही है, असली नकली डुप्लीकेट ये सिर्फ ब्रांडों की चीज है, ब्रांडों की चीज वो तो है। आप मेरी बात सुनिए, यही चर्चा चलती रही है 20-22 साल से, मैं यही चर्चा खुद के आया और कभी भी मैंने इन चर्चाओं में रहना पसंद नहीं करा। अच्छा, इन चर्चाओं में रहने पसंद नहीं करा। हाँ, और इन चर्चाओं को सुनकर कस्टमर ऊब चुका है। हाँ, आधे से कई ज्यादा कस्टमर है मेरे पास भी, कई काफी सारे कमेंट्स आते हैं, वो सीधा ब्रांडों के नाम लेते हैं, ये है वो है, जितने भी ब्रांड है उन सभी चर्चाओं के नाम लेते हैं, उनको मना करना पड़ता है कि भाई यहाँ पर ब्रांड नहीं है जी, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिटी मिलेगी। और अब इन चर्चाओं को सुनकर जितने भी मतलब आज ऑल इंडिया की है, अब वो कस्टमर इन चर्चाओं से बाहर निकलते हुआ चला जा रहा है, बाहर निकलते हुआ चला और आगे भी बहुत भारी मात्रा में निकलेगा। वो तो है जी भाई, इन सबके बाहर निकालने का शायद थोड़ा बहुत आपका भी हाथ है, तो आप सीधा कस्टमर को भला चाहते हो ताकि कस्टमर को पैसा भी वसूल हो और उनके बजट के अंदर उनके बहुत बढ़िया पतंग और बढ़िया ढोर मिल सके। ये देखो आप, ये देखिए दोस्तों पतंग बिल्कुल करीब से देखिए, बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग, बहुत ही खूबसूरत पतंग। शानदार पतंग है जी, तो बहुत ही बढ़िया लोच है, तमाम खुद्दे एकदम बिल्कुल गोल, जैसा कि हर वीडियो में देखने को मिलता है आपको, सारी पतंग बहुत ही अच्छी है। ये देखिए ब्लू पतंग अजी भाई, अभी मंजोली है, मंजोली बहुत ही खूबसूरत पतंग है। देखिए दोस्तों धूप का रिफ्लेक्शन इस तरीके से पड़ रहा है, हल्का सा पक्षीदार लग रहा होगा आपको, लेकिन पतंग बहुत ही अच्छी है। ये देखिए टोकिया, बहुत ही शानदार पतंग। टोटल कितनी पतंग होगी अजी भैया? ये होगी टोटल पतंग 2500 के आसपास। ये पूरी पतंग है दोस्तों 2500 के आसपास पतंग है। काफी अच्छी डिजाइन देखने को मिल रही है आपको, काफी अच्छी पतंग, काफी अच्छी डिजाइन, काफी अच्छी सारी चीजें, बहुत ही अच्छी ये शॉप है अजीब की। हर वीडियो में कमेंट्स आते हैं लोगों की, अजीब की शॉप कहाँ पर है, शॉप की लोकेशन चेक डिस्क्रिप्शन में भी लोकेशन डाल रखी है मैंने, फिर भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो सीधा गूगल पे डालिए अजय का सेंटर, वहां पर डायरेक्शन पे क्लिक करके एग्जैक्ट लोकेशन अजीब की दुकान तक आ सकते हैं। अरे यार अजीब क्या रख रखा है बीच में, ये मांझे का कार्टून है क्या? मांझे का पार्सल है। अच्छा, मांझे का भी पार्सल आया हुआ है, आपने तो बताया था सिर्फ पतंगों का पार्सल आया है आपके पास। ये कब आया, अभी सुबह आया फिर रात को आ गया था? रात को ही आ गया था, रात को ही आ गया था। इसमें कितनी चरखियां हैं जी भैया? इसमें 25। और कौन कौन सी चरखियां हैं? सब 12 रील की है। अच्छा, सारी 12 रील की, 25 चरखियां 12 रील की है। हां सब 12 रील की। चलिए बहुत ही बढ़िया जी भैया, फिर इसकी अनबॉक्सिंग कब, अभी इसके बाद या फिर रात को? रात को, रात को ही करेंगे। हाँ यार, अभी वैसे भी काफी बहुत ज्यादा बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चों को वापस भेजना पड़ रहा है, एक सेकंड वीडियो बन जाए इसके बाद। ये आ गई है पोनी। अच्छा, पोनी पतंग आ गई स्टार्ट यहाँ से। क्या बात है, जबरदस्त पतंग है जी, देख सकते हैं आप बहुत सफाई वाले।
करीब से फिनिशिंग देख सकते हैं। बहुत ही शानदार पतंग है ये देखिए। बहुत ही बढ़िया पतंग है सही में। अजीब यार, एक एक पतंग एक बार देख के बता सकते हैं, कुछ मरकराट तो नहीं है, कुछ भारी तो नहीं है, कुछ ज्यादा हल्की तो नहीं है। ये देखिए वैसे ये जैसे बोला करता हूँ, जैसे बोला करते हो। फरमा भी बहुत ही प्यारा फरमा है, पोनी का बहुत शानदार फरमा है। और सफाई देखिए आप पतंग में, पतंग की क्लीननेस वीडियो में ही दिख रही होगी दोस्तों को। बहुत ही शानदार पतंग है ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्लीन नीट एंड क्लियर। बहुत ही शानदार पतंग है दोस्तों, देखिए अंदाजा लगा सकते हो आप, सात खुड्डे भी बिल्कुल छिले हुए, तो बहुत ही शानदार। ये पोनी पतंग अजीब कितनी आई है इसमें, इसमें पोनी पतंग 600-700 पतंग आई है, पोनी 600-700 पोनी पतंग आई है, जो कि कितने दिन चलने वाली है, मात्र दो दिन। तो ये कई कस्टमर थे जिनको देने के लिए। अच्छा हाँ, और बहुत ही शानदार पतंग आई है, बहुत भाग दौड़ के पतंग, बहुत ही शानदार पतंग है, दिखने से ही लग रही है, क्या बात है। पहले व्हाइट पत्ता देखने को मिला था, ये अलग कारीगर थी, इसमें ग्रीन पत्ता, ये अलग कारीगर है, वो अलग कारीगर था, ये अलग कारीगर है, शायद इसका फर्मा भी अलग है। ये देखिए लोट, बहुत ही शानदार पतंग है दोस्तों, बहुत अच्छी पतंग है। एक मेरा भाई है, हाँ बताइए जी भैया। एक मेरा भाई है। अच्छा वाह, चलो दिल अल्टीमेट रोहित भाई है वो शायद। ये 35-40 रुपए की पतंग की भी अच्छी है। 35-40 रुपए की पतंग से भी बहुत ही अच्छी पतंग है, रोहित भैया ने कहा था। ये मेरे भाई के दिल से शब्द थे, दिल से शब्द। और वाकई पतंग एक खिलाड़ी तारीफ करे बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी अजीब पतंगें बहुत ही शानदार आई है। और एक बात और, पंडित जी खिलाड़ी करता तो करता है ही, छत वाला भी बहुत तारीफ करता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, छत वाला भी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। और ये मेरे लिए खुशी की बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है खुशी की, आपके लिए नहीं मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, जो मेरे को आप ही की वीडियोस बनाने का मौका मिलता रहता है बार बार। बाकी बहुत ही शानदार काम है इनका, देख सकते हैं आप पतंगे, ये अलग कारीगर की। अच्छा एक और नया कारीगर आ गया, ये अजीबिया विशाल इसी पतंग के लिए बोल रहा था आपको, उसके लिए मंगवाई ये पतंग बताना। अच्छा असली विशाल के लिए ही मंगाई है आप? हाँ 150-200 पतंग। तो ठीक है, अगर विशाल ये वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले वही आएगा। देखिए पतंग जी, पतंग गोल है, शानदार पतंग है, मजा आ गया देख के। एक ही पार्सल में 5-6 कारीगर, बहुत ही बढ़िया बात है। और ये देखिए परमा दोस्तों, और ये वो पतंग है पंडित जी, हाँ कारीगर और दुकानदार का नाम करने वाली पतंग, कारीगर और दुकानदार दोनों का नाम होगा इन पतंगों से। एक सेकंड में आपको इसका फरमा बिल्कुल करीब से दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार फरमा है ये देखिए दोस्तों। कैसे इसकी भी कमांड बिल्कुल करीब से देखिए, पतंगों में वही लोच वही फिनिशिंग, और बहुत ही शानदार पतंग आप खुद देख सकते हैं वीडियो में। और इधर यही है, जैसी वीडियो में पतंग दिख रही है लाइव भी आपको वैसी ही देखने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया पतंग है। बेटा बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, ये देखिए एक मिनट देते हैं आप, देखो 5 मिनट बैठो, तो भी वही माहौल है बच्चों का। बच्चों से याद आया अजय भैया? जी हाँ, आपकी दुकान पे छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही सारे बच्चे आते हैं, कोई कोई 1-2 रुपए भी लेकर आता है तो उनको आप मना नहीं करते, 1 रुपए की सद्दा तक दे देते हैं,
तो इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब ऐसा क्यों? ये नहीं है कि नाम हो गया है या काम बहुत अच्छा चल रहा है, ये नहीं है नाम हो गया है या काम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ ये तो हर किसी का होता रहता है, और मेरा हुआ ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। पर आज भी एक रुपया या दो रुपया भाई वो लेके आना, वो सफेद वाइट, हाँ वाइट, हाँ ये देखिए आप आज भी ये त्रिशूल के 350 रुपए। हाँ 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 आज भी, अब मेरी बात सुनिए, आज भी चाहे एक रुपया हो चाहे दो रुपया हो या तीन रुपया हो, आज भी बच्चा पतंग जब लेने आता है ना तो उनको मैं आज भी देता हूँ, देख लीजिए आप। एक रुपए की सद्दा भी देते हो? हाँ, और इसमें से देता हूँ, वो 5 रुपए का और 10 रुपए का गट्टा आता है ना, वो बहुत कच्चा आता है। अरे वाह यार, बहुत ही बढ़िया बात लगी मेरे को ये। एक बच्चे की पतंग नहीं टूट जाए लंबी देते देते, आज भी देख लीजिए। अच्छा बच्चों का भी पूरा ध्यान रखते हो आप, ये नहीं कि बच्चा आया एक रुपए लेके तो काम चलो सद्दा दे दी, कच्ची सद्दा दे दी, ऐसा नहीं है पंडित जी। समय बच्चों क्या? को भी वही क्वालिटी, छत वाले को भी वही क्वालिटी, मैदान वाले की वही क्वालिटी। हाँ। खेरा खाने एक एक रुपए वसूल होना चाहिए, एक एक रुपए वसूल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा खुश होते होंगे, ये नहीं है कि वो आ गया तो इसको नहीं इसको नहीं, चाहे मैदान वाला हो चाहे छत वाला हो, चाहे 1 रुपए वाला कस्टमर हो चाहे 1,000 रुपए वाला हो चाहे 50,000 वाला हो, सबको एक ही नजर से सम्मान की नजर से देखता हूँ। बिल्कुल अजीब है, बहुत ही बढ़िया बात लगी मेरे को अजीब है, मतलब कस्टमर चाहे इनके पास 1 रुपए का हो चाहे 1,000 रुपए का हो चाहे 10,000 रुपए का हो चाहे 50,000 रुपए का हो, कस्टमर इधर से देख रहा हूँ, 50,000 वाले को भी उसी निगाह से देख, बहुत ही बढ़िया बात है। इनका काफी नाम हो रहा है, इतना काफी बढ़िया नाम चल रहा है, काफी बढ़िया वीडियोस आ रही है इनकी, बहुत ही बढ़िया, मतलब ये नहीं है कि बहुत हवा में उड़ जाए, रहते ये डाउन टू अर्थ ही है, और ये पूरा जयपुर जानता है, पूरा जयपुर जानता है जी का, बिल्कुल सही बात है। 8-10 साल से तो मैं आ रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ। बाकी एक सवाल और अजी का जी, जनता जनार्दन का भी हो सकता है जी, बाकी मैं तो मेरी तरफ से पूछ रहा हूँ जी, आपने पतंगों का काम स्टार्ट करा है तो सिर्फ पतंगों का ही क्यों करा, मतलब और कोई सभी स्टार्ट कर सकते थे, पतंगों का ही क्यों? बचपन से दिलचस्पी रही है, बचपन से दिलचस्पी रही है इसी चीज में। हाँ मतलब पुराने टाइम पे, मतलब जर्मन में पतंगबाजी होती, उस टाइम पे तो पतंगबाजी भी की होगी आपने खूब, पतंगबाजी काफी पतंग यहाँ देखने आता था जलमेल पे। अच्छा उस टाइम पे आप देखने आते थे जलमेल की? हाँ साइकिल लेके आ जाता था। अरे यार क्या बात है जी, मतलब जुनून तो बचपन से ही आपकी पतंगबाजी का। वाह यार, और मैंने है ना 18-20 साल की उम्र में दुकान खोल ली थी। क्या? हाँ 18-20 साल की उम्र में? हाँ जी, ना मजाक मत करो, लगा लो आप 15-16 साल हो गए, लगा लो आप 18-20 साल की उम्र थी आपने पतंगबाजी का काम स्टार्ट कर दिया था। हाँ तो सबसे पहले आप पतंगबाजी का काम नहीं, पतंगबाजी तो 20-22 साल से कर ही रहे। अच्छा, और 15-16 साल वो 18 साल की 20 साल की उम्र में मैंने दुकान खोली थी। अच्छा 18-20 साल की उम्र में ही आपने दुकान खोल ली थी? हाँ ना क्या अपने अजय, बहुत ही बढ़िया बात लगी। और आज कितने साल हो गए आपको 18-20 साल से दुकान खोले हुए, आज टोटल कितने साल हो चुके? 18-20 साल की उम्र में, 18-20 साल नहीं 15-16 साल, 18-20 साल की उम्र में आपने काम स्टार्ट कर दिया था? हाँ उम्र में मैंने दुकान खोल ली। अच्छा आपकी उम्र 18-20 साल की थी जब ही आपने काम स्टार्ट कर दिया? बहुत ही बढ़िया जी भैया, बहुत ही शानदार, ये वही गोल फरने वाली पतंग अभी तो लास्ट में आई थी, और आज भी देख लीजिए मैंने कई, फिर अभी थोड़ी देर पहले कहा तो 1 रुपये वाला कस्टमर हो तो 1,000 रुपये वाला हो तो 50,000 वाला हो तो 10-20 हज़ार वाला, कभी भी भेदभाव नहीं रखा है। जैसा कि अभी अभी मैंने जस्ट बताया था कि चाहे 1 रुपये का कस्टमर आए इनके पास, चाहे 10 रुपये का, 100 रुपये का, 1,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, आप सब कस्टमर को एक ही नज़र से देखा है, सब कस्टमर को एक ही नज़र से देखा है आपने, ये बहुत ही बढ़िया बात है, व्यूअर्सों के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा ये वीडियो में बोलते हैं वैसा ही आपको लाइव भी देखने को मिलेगा, लाइव देखने को कई जनों को मिल चुका है और आगे देखते रहेंगे, आगे देखते रहेंगे। बाकी व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे अजीब, आपकी कमेंट्स आ रहे थे बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे कि अजीब ऐसे ही काम करते रहिए और ऐसे ही वीडियोस डालते रहिए, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और कई वीडियो को देख के आए ना, उन्होंने लाइव देखा है कि आपने जो वीडियो में नहीं बोला ना उससे ज्यादा हमने लाइव देखी, उससे ज्यादा हमने लाइव देखी, सही बात है, किसी वीडियो में इतना कुछ दिखा नहीं पाते, बाकी आओगे तो क्वालिटी। और बाकी ये बच्चा है इनको मैं फिर कर दूँ, और
मैं थोड़ी पतंग में समझ लो, और आज संडे का दिन है, काफी देर से लाइन लगा के बैठे हैं, फटाफट वीडियो खत्म हुए उसके बाद हमारा नंबर आए विशाल, तो ठीक है दोस्तों, बाकी की वीडियो आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्सल के साथ अगेन। और एक चीज और, 20 तारीख को एक वीडियो अपलोड होने वाली है जिसमें 20 तारीख को 20 बैग आ रहे हैं पतंगों के, और मैं मेरे कस्टमर को कहना चाहता हूँ ऐसे ही प्यार बनाते रहिए और ऐसे प्यार देते रहिए, आपको एक से एक पतंग दौड़ की वीडियो देखने को मिलेगी और आप तक पहुंचेगी। बिल्कुल सही कहा जी मैंने, तो दोस्तों जैसा कि मैं कहता रहता हूँ बार बार, आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार से अजीबिया अपने ही लिए, कस्टमरों के लिए ही इतना बढ़िया काम करते रहेंगे, अच्छी अच्छी पतंग डोर, बेस्ट क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया काम करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन चरखी के पार्सल के साथ। ये जो चरखी का पार्सल दिख रहा है आपको, इस पार्सल की अनबॉक्सिंग करेंगे हम रात को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों।